Welcome to your students. Today we will start our lecture number 4 of the unit number 1, and the unit number 1 is the cells, tissues and organs. We start our lecture number 4 of unit number 1, cells, tissues and organs, with the question number 1. And the question number 1 is that a microscope is fitted with a 5x eyepiece and 20x objective lens. Which answers below show how much the object will be magnified? अगर एक माइक्रोस्कोप उसकी जो आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो 5 और 20 है, तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई करके देख सकते हैं। तो अगर किसी माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर आईपीस की 5 और ऑब्जेक्टिव लेंस की 20 हो, तो हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट को जो है वो 100 गुना ज़्यादा बड़ा करके देख सकते हैं। सो आंसर इज़ 100x। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टिश्यू? बोन, नर्व, ब्लड, स्ट्रोमिक एंड एपिथीलियम। इसमें से बताना है हमने कि इनमें से कौन सा जो है वो टिश्यू नहीं है। तो बोन आप लोगों को पता है ये भी एक टिश्यू है। नर्व जो है ये भी नर्व टिश्यू जो हैं जो पैगाम आपको पहुँचाते हैं मुख्तलिफ हिस्सों तक। ब्लड जो है ये क्या है, ये भी टिशू है। और उसके बाद स्ट्रोमिक जो है वो टिशू नहीं है, और एपिथीलियम भी क्या है, टिशू। सो आंसर इज़ द स्ट्रोमिक। उसके बाद हम लोग जो है वो करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ सामने डायग्राम देखिए, डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि स्टॉमिक जो है वो किस तरह से डिफरेंट टिश्यूज़ के मिलने से बना हुआ है, और इसमें कौन कौन से टिश्यूज़ यूज़ हो रहे हैं। स्मूथ मसल टिश्यू हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, नर्वस टिश्यू हैं, ब्लड एंड द कलमनर एपिथीलियम। दीज आर द डिफरेंट टिश्यूज़ विच मेक अ ऑर्गन कॉल्ड एज स्टॉमिक। नेक्स्ट इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई डू यू यूजुअली नीड टू कट अ वेरी थिन स्लाइस ऑफ अ स्पेसिमन टू लुक एट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। हम लोगों को किसी स्पेसिमन को उसका बहुत थिन क्रॉस सेक्शन काटने की ज़रूरत क्यों है? तो आंसर क्या है इसका, सो दैट द मटीरियल इज़ थिन इनफ फॉर लाइट टू बी एबल टू पास थ्रू इट। हम लोग किसी चीज़ का जो है वो थिन क्रॉस सेक्शन इसलिए काटते हैं ताकि इसमें से लाइट इजीली जो है वो अब्जॉर्ब हो सके और गुजर सके, और हम किसी स्पेसिमन को जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स को जो है वो वाजिया तौर पे देख सकें। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई आर सेल्स स्टेन बी फॉर बींग लुकड एट विद अ माइक्रोस्कोप। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी सेल को माइक्रोस्कोप में देखने से पहले उसको हम लोग स्टेन क्यों कर लेते हैं, इसकी क्या रीज़न है? तो हम लोग बताते हैं इसके आंसर में, टू शो ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स एंड पर्टिकुलरली द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गनरीज। हम लोग जो है किसी सेल को इसलिए जो है वो स्टेन कर लेते हैं ताकि उसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो हमें सही तरह से शो हो, पर्टिकुलरली इसका न्यूक्लियस और जो अदर ऑर्गनरीज हैं। जब हम किसी चीज़ को सेल को स्टेन कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, तो वो पार्ट हमें बिल्कुल वाजिया तौर पर नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट जो ऑर्गनरीज हैं या न्यूक्लियस हैं वो डिफरेंट कलर ऑब्जॉर्व करते हैं, तो वो हमें मुख्तलिफ नज़र आएंगे, या वो किसी कलर को ऑब्जॉर्व करके अपना जो कलर है वो डिफरेंट शो करते हैं। उसके बाद है यहाँ पे डायग्राम, डायग्राम में लेफ़्ट साइड पे देखें कि सेल्स हमें इतनी क्लियरली नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब हमने इनको स्टेन कर लिया एक स्पेसिफिक कलर से, तो ये हमें बिल्कुल वाजिया तौर पे नज़र आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे सेल्स मौजूद हैं। जबकि फर्स्ट वाली डायग्राम में लेफ़्ट साइड पे देखें कि हमें बहुत सारे सेल्स लग रहे हैं, लेकिन जब हमने इसको स्टेन कर लिया तो कुछ ही सेल्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। यही रीज़न है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने से पहले सेल्स को क्या कर लेते हैं, स्टेन। उसके बाद है आप लोगों की डायरी, डायरी में आप लोगों ने राइट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 3 ऑन योर नीट नोटबुक एंड लर्न क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4।